हैं नाज़िम खान। जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, तो आइए चलते हैं खबर। सरकार ने पंचायत सहायकों को बना रखा है फुटबॉल। आमेर उपखंड ब्लॉक जालसू के अध्यक्ष प्रभुदयाल मीणा ने बताया कि मात्र 6000 रुपए के अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं। पंचायत सहायकों का शोषण किया जा रहा है, इनको दो विभागों में इधर उधर काम के लिए दौड़ाया जाता है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में नियमित करने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कई पंचायत सहायकों ने कोरोना काल में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से मदद के लिए कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिले, जिससे 50 लाख रुपए की आर्थिक भी सहायता मिल सके। संघ की तरफ से संदेश है, कोई भी साथी हिम्मत ना हारे, जीत हमारी तय है। कोरोना काल के दौरान जान की परवाह किए बिना लगातार सेवाएं दे रहे हैं। सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम एक आंदोलन रूपरेखा तैयार करेंगे। महामारी को जीतने के बाद में सरकार के विरुद्ध बड़े रूप से आंदोलन चलाए जाएंगे। प्रभुदयाल मीणा, प्रवीण भार्गव, ज्ञान प्रकाश बुनकर, राजेंद्र प्रसाद परसवाल, धर्म सिंह राजावत, राजेंद्र प्रसाद रेगर, रामेश्वर प्रसाद यादव, मीनाक्षी शर्मा, अनीता यादव, भागचंद धायल, रामेश्वर गरेड़, मदन लाल जाट, संतोष राज, प्रकाश शर्मा आदि पंचायत सहायकों ने बताया कि सरकार के जनप्रतिनिधि को ज्ञापन अभियान होने पर भी कोई फायदा नहीं मिला। यह शोषित वर्ग फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से भी अपनी दुर्दशा रोज व्यक्त करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।